और कांग्रेस पक्ष कैसे हमारे काम कर रहे हैं और ग्रामीण मतलब क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं और कितना बड़ो गरीब लोग का बच्चों लोग का शादी रहने दो, गरीब लोग का स्कूल का फीस रहने दो और गरीब लोग का गुलबर्ग में हॉस्पिटल में एडमिट करे तो उसका बिल भरने दो, हर चीज काम करे सो है। तो ऐसे आदमी डॉक्टर रवि चव्हाण साहब को आपने एक जिम्मेदारी देंगे, एक निगम का अध्यक्ष बनेंगे तो आपका कांग्रेस पक्ष बहुत लंबी भी नाम होगा और उसके अंदर पक्ष का भी अच्छा काम चालू होगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. सबको नमस्कार। आज जय कन्नड़ीगर रक्षण वेदी के तरफ से आज हम लोग कलबुर्गी नगर के पत्रिका गोष्ठी के करे सो है। आज सुधी गोष्ठी करने का उद्देश्य क्या है बोलो तो हमारा कलबुर्गी ग्रामीण मत क्षेत्र का युवा नायक डॉक्टर रवि चव्हाण साहब को और कांग्रेस सरकार में कौन सा तो निगम में अध्यक्ष बनाना बोल के आज हम लोग सुधी गोष्ठी करे। सुधी गोष्ठी करने का उद्देश्य क्या है बोलो तो वो हमारे को जो हमने डॉक्टर रवि चव्हाण साहब का जो काम के देखे ग्रामीण मत क्षेत्र में जो कोरोना का टाइम रहने दो और कोरोना का टाइम में जो जो हॉस्पिटल प्रॉब्लम थे किट का प्रॉब्लम रहने किट बांटे वहाँ पे मास्क बांटे हॉस्पिटल में जो भी प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में सामान दिए और उसके अंदर कितना बीजेपी सरकार में जो बीजेपी सरकार में सरकार रहने का टाइम भी वहाँ पर अनादान ला के वहाँ पे फिर हर जाति धर्म लोग को लेके आज सिर्फ एक ही समाज को नहीं है हर समाज को लोग को जो जो प्रॉब्लम है वहाँ पे काम कर को दिए सो है। और उसके अंदर अभी क्या है बोलो तो जो लोकसभा परसों का दिन जो विधानसभा चुनावी थे फर्स्ट नाम कांग्रेस पक्ष में अभ्यर्थी कौन था तो बोल तो डॉक्टर रवि चव्हाण साहब ही थे। उसका नाम फाइनल हुआ था साहब का कांग्रेस टिकट फाइनल करना बोल के उसके बाद वो पार्टी में बैठ के और साहब को रवि नायक साहब को देना बोलने के बाद और साहब को रवि नायक साहब को फाइनल हुआ। उसके बाद और दूसरे पार्टी वाले आके डॉक्टर रवि चव्हाण साहब से मिले और उसको बोले हमारा पार्टी से तुम टिकट देते तुम ठहरो बोल के और उसके बाद रवि चव्हाण साहब ने बोला नहीं हम कांग्रेस में मेहनत करते आए काम करते आए हम होराटा वहीं करते आए संगठन में हम कांग्रेस पक्ष में हम सेवे करते आए हम वहीं रहेंगे हम कहाँ भी दूसरे तरफ पक्ष में नहीं आएंगे हमें टिकट नहीं मिला तो चलेगा और अगली बार सरकार आने के बाद हमें कुछ से उससे सम्मान देंगे बोल के हमें वादा करो सर मुकुंद वाले बोल के बोलने के बाद अब तो 135 सीट आए सो है। अब वो पूरे सबको कार्यकर्ता को देने वाले हैं उसके अंदर अब ग्रामीण मत क्षेत्र में युवा नायक बोलो तो डॉक्टर रवि चव्हाण है और पार्टी कोई भी कांग्रेस का पक्ष से कोई बेंगलुरु से गुलबर्ग आएंगे तो लोग बहुत हजार लोग को पब्लिक को एयरपोर्ट के पास लेके स्वागत करने से रहने दो वो कार्यकर्ता कितना है उसका हुमस दिखाने दो और कांग्रेस पक्ष कैसे हमारे काम कर रहे हैं और ग्रामीण मत क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं और कितना बड़ो गरीब लोग का बच्चों लोग का शादी रहने दो गरीब लोग का स्कूल का फीस रहने दो और गरीब लोग का गुलबर्ग में हॉस्पिटल में एडमिट करे तो उसका बिल भरने दो हर चीज काम करे सो है। तो ऐसे आदमी डॉक्टर रवि चव्हाण साहब को आपने एक जिम्मेदारी देंगे एक निगम का अध्यक्ष बनेंगे तो आपका कांग्रेस पक्ष बहुत लंबी भी नाम होगा और उसके अंदर पक्ष का भी अच्छा काम चालू होगा और ग्रामीण मत क्षेत्र में जो अभी कांग्रेस का हवा नहीं है यहाँ पे वहाँ पे आप रवि चव्हाण को देंगे तो फिर वहाँ पे घूम के केड़े गाँव में सब घूम के जो केड़े गाँव में समस्या है लोग कांग्रेस बारे में और आपको लोकसभा चुनाव आने में हेल्प होता है और निगम का अध्यक्ष बनेगा तो निगम से जो फायदा आता है जो बजट आता है उसका भी ग्रामीण में काम होता है और गुलबर्गा में काम होता है और गुलबर्गा में हर संगठन लोग को आज संगठन वाले क्यों शुद्धि गोष्ठी करे बोलो तो सबका दिल में डोट आता है हम कुछ डॉक्टर रवि चव्हाण हमारे कुछ दिया नहीं है हमें प्यार से मोहब्बत से उसका काम देके हर संगठन वाले को हमें बड़े सब कनाडा संगठन वाले ना दिल्ली संगठन रहने दो रईत पर संगठन दो विद्यार्थी पर संगठन दो हर संगठन के साथ काम करे सो है हर संगठन में होराटा करे सो है। रवि चव्हाण एक लीडर नहीं है एक होराटागार है होराटागार से लीडर बने सो है। हमें एक डॉक्टर रवि चव्हाण को एक मौका देना चाहिए और ये भी अब निगम में जो भी निगम में रहने दो एक निगम में अध्यक्ष बनाना है उसका अध्यक्ष बनेंगे तो काम अच्छा होंगे आपका कांग्रेस पक्ष आपका कार्यकर्ता मिलेंगे और कार्यकर्ता का पास हुमस आएगा काम करने के लिए। इसीलिए कल जो हमारा कलबुर्गी नगर के उस्तवरी प्रियंक खरगे साहब आ रहे हम खरगे साहब से भी मिल के खरगे साहब को डॉक्टर रवि चव्हाण को कौन सा भी निगम से अध्यक्ष बनाओ बोल के कल उसको मनवी पत्र दे रहे उसके बाद नहीं हुआ तो पर आगे का होराटा कैसा कर रहा और किसको हम मिलना बोल के बाद में हमारा संगठन की तरफ से हम मीटिंग लेके उसके बारे में हम विचार करेंगे उसके बारे में।
This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.